जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड के डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। जी हां साथियों, यदि आप भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है और सीसीएस यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, कितनी फीस पर आपका एडमिशन होगा, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहां पर आपका एडमिशन होगा, तो इन सब सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड में जो एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो साथियों, जो हमारा बीएड में एडमिशन है वो तीन तरीके से कराए जाते हैं। एक तो सबसे पहला है यूपी बीएड में। यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हर साल उत्तर प्रदेश में बीएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होता है। पिछले काफी सालों से लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही है। उसके बाद में जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में फिर आपकी मेरिट लगती है और मेरिट के बेस में फिर आपका एडमिशन कराया जाता है। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सीएमजे है, छत्रपति साहू जी महाराज, इस तरीके से जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फिर उनके कॉलेजों में या कैंपस में फिर बीएड में एडमिशन होता है। अब दूसरा जो कैटेगरी होती है, दूसरी होती है जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो अपना एडमिशन डायरेक्ट भी एडमिशन लेती हैं या अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं या मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो एडमिशन लेती हैं जो आपकी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको काफी बार बताया है कि वहां पर आप उसी यूनिवर्सिटी में लेना जो यूनिवर्सिटी अच्छी रैंक करती हो, नैक एग्रीगेटेड हो, एनसीटी का अप्रूवल आप चेक कर लीजिएगा, तो तभी आप उस यूनिवर्सिटी से ही आप बीएड कीजिएगा। क्योंकि बीएड की सीट होती है यूनिवर्सिटी के पास में 100-120, तो और लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो बीएड बांट देती है आपके 1000-1500 इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं पर आपको वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। जो तीसरा है, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है माइनॉरिटी का दिया जाता है। सेंट्रल जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, इसी में आपके कुछ कॉलेज दिए जाते हैं जो माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, फॉर्म निकालती है माइनॉरिटी के लिए, रजिस्ट्रेशन कराती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है, सभी कॉलेजों में माइनॉरिटी की सीट नहीं होती है। बहुत ही कम कॉलेज हैं माइनॉरिटी के जिसमें बहुत कम सीटें हैं। अब इसमें माइनॉरिटी के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि सर, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आगे चल के, हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो मैं सब सारे डाउट आपके क्लियर कर देता हूं। साथ ही यदि आप माइनॉरिटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यदि आप माइनॉरिटी से एडमिशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप लेते हैं, तो उस केस में आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यानी कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। दूसरा है, इसमें आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, एग्जाम है, सब सारी चीजें वही रहती हैं जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया जाता है। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब पूरी तरीके से वैलिड है, सब सारी चीजें वही है। अब यदि हम बात करें फीस की, तो साथ ही जो इसकी भी फीस होती है वही फीस है जो गवर्नमेंट की फीस है, यानी कि फर्स्ट ईयर की 51,250 रुपए है, और जो सेकंड ईयर की फीस है वो आपकी 30,000 रुपए, यानी कि 30,000 है। तो इस तरीके से जो दोनों साल की फीस है वो आपकी 81,000 रुपीज इसकी फीस है। अब इसमें बच्चे कहते हैं सर, कितनी फीस में एडमिशन हो जाता है? साथियों, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सीटें भर जाती हैं बहुत आसानी से, वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं करते हैं, कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि फीस तो 51,250 ही जानी है, जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो डीडी बनता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो अपनी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को, 20%, 25%, 30%, तो वो अपनी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं।
तो साथियों यदि आपको भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है माइनॉरिटी में, तो बहुत कम सीटें बचती हैं, पहले ही इसकी सीटें बुक हो जाती हैं। तो यदि आप भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपसे बात करेगी और उसके बाद में आपको कन्फर्म करा देंगे कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपका जो बीएड में डायरेक्ट एडमिशन कितनी फीस पर हो सकता है। किसी भी टाइप का उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा सक्षम स्कॉलरशिप पर, किसी भी टाइप का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। तो यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या फिर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।